आप सभी को नमस्कार, मैं हिमांशु सिंह एक बार फिर से आप सभी का यूपीएस न्यूज 24 में स्वागत है। आइए नजर डालते हैं यूपी के जनपद औरैया की ओर। आपको बता दें, करणी सेना भारत ने 10 वर्ष के लिए आरक्षण बढ़ोतरी को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित एडीएम को सौंपा ज्ञापन। बताते चले, रविवार को करणी सेना भारत औरैया के जिला अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र सिंह राजावत के नेतृत्व में जिला कार्यालय पर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा 10 वर्ष आरक्षण दोबारा लाने एवं पारित करने के विरोध में विचार विमर्श किया गया, जिसके बाद काकोर मुख्यालय जाकर एडीएम रेखा एस चौहान को राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति से मांग की है कि आरक्षण को जातिगत आधार पर नहीं बल्कि शोषित, कमजोर व जरूरतमंद लोगों को आरक्षण का प्रावधान करें, तब जाकर देश का विकास होगा। जिनको आरक्षण की जरूरत नहीं उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, जरूरतमंदों को ही आरक्षण मिलना चाहिए। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष बबलू ठाकुर, प्रदेश सचिव आशू भदौरिया, जिला संयोजक आईटी सेल प्रभारी शिवम जादौन, गुड्डू चौहान, अरविंद सिंह सेंगर, अमन ठाकुर, प्रवल ठाकुर, हिमांशु भदौरिया, दिग्विजय सिंह चौहान, सत्यम सेंगर और अंकुश सिंह, हर्ष ठाकुर, योगेश सिंह चौहान आदि करणी सैनिक मौजूद रहे। आगे की लगातार खबरों के लिए बने रहें यूपीएस न्यूज 24 के साथ। हर खबर सबसे पहले। आज जनपद औरैया में एडीएम महोदय को आपने एक ज्ञापन सौंपा है, किस संदर्भ में है, क्या क्या मांगे हैं आपकी? ये ज्ञापन हमने एडीएम साहब को जो सौंपा है ये आरक्षण के विरुद्ध दिया है, क्योंकि आरक्षण के खिलाफ जो इसलिए दिया है कि कई लोग हैं जिनको आरक्षण की जरूरत नहीं है। रामविलास पासवान है, मायावती है, ओम प्रकाश राजभर जी हैं और भी कई जो एससी और पिछले नेता हैं, कई जो समृद्ध लोग हैं, इनको आरक्षण की जरूरत नहीं, लेकिन इनका लाभ इन लोगों को मिल रहा है और हकीकत में जो गरीब और दबे कुचले लोग हैं उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए जो भी आरक्षण दी हो वो गरीबी के आधार पर हो, ना कि जात के आधार पर। और सही बात यह है कि ये जात के आधार पर जो आरक्षण दिया इससे जातवाद को बढ़ावा मिलता है, इसलिए आरक्षण को खत्म किया जाए, आरक्षण केवल गरीबी के आधार पर हो। इसी संबंध में एडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया है। किसके लिए? राष्ट्रपति जी के लिए। राष्ट्रपति जी के लिए दिया है। क्या मान करते हैं दिव्यांगों के लिए भी इसमें आरक्षण होना चाहिए, जो सर्व समाज जैसे लोग? सर्व समाज के सभी गरीब दलित जो भी शोषित लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन सभी के लिए आरक्षण की मांग करते हैं और जो समृद्ध लोग हैं उनका आरक्षण खत्म किया जाना चाहिए। जय भवानी।